आपका श्रीराम ऑनलाइन क्लासेस में। मैं हूं नवीन कुमार, बात करते हैं क्लास टेंथ की। टेंथ क्लास में अपना स्टार्ट करने वाले हैं न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 15, जो कि है सर्कमफेरेंस एंड एरिया ऑफ ए सर्कल। एक वृत्त का, वृत्त की परिधि और उसका क्षेत्र, उसके बारे में ये चैप्टर है। बहुत ही आसान चैप्टर है, 3 नंबर का, 4 नंबर का क्वेश्चन इस पर से सीधा आता है। बात करते हैं वृत्त की। वृत्त क्या होता है, हम बताते हैं आवश्यक है। वृत्त जो होता है, वृत्त की परिभाषा होती है क्या, किसी एक निश्चित बिंदु से, किसी एक निश्चित बिंदु से नियत दूरी पर बना बिंदुओं का बिंदु पथ क्या कहलाता है, वृत्त कहलाता है। ये क्या है आपका, वृत्त। किसी एक निश्चित बिंदु से, एक फिक्स बिंदु कर लिया आपने, फिर उससे दूरी नियत, कॉन्स्टेंट डिस्टेंस, दूरी कम ज्यादा नहीं होती। अगर मैं कम ज्यादा करूँ तो क्या बनेगा, ये कुछ, ये कोई वर्त नहीं है, गलत है। पर नियत दूरी यानी कि दूरी जो है वो आप चेंज नहीं कर सकते इसमें, तो वो बनता है आपका क्या, वर्त। के बारे में छोटी मोटी जानकारी आपको दे देता हूँ अभी मैं, कि केंद्र से परिधि तक, इसको परिधि बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, परिधि, परिधि, परिमाप, परिमिति, ये शब्द अलग अलग है, इनका मतलब सेम होता है। परिमाप भी वही होता है, परिधि भी वही होता है, परिमिति भी वही होता है, चारों ओर का बाउंड्री जो होती है, घिरा हुआ जो जगह है उसको, खेत की जो तारबंदी होती है वो क्या है, वो परिमाप है। तो ये परिमाप होता है, इसको परिधि बोल देते हैं। और इस परिधि से इस केंद्र की जो दूरी है उसको बोलते हैं त्रिज्या या रेडियस, इसको आर से लिखते हैं। और इसी त्रिज्या की को मैं थोड़ा आगे बढ़ा दूं, यहां से चला मैं यहां तक आया तो त्रिज्या है, उस आगे तक चला गया तो क्या है, ये व्यास है। क्या है, व्यास, जो कि त्रिज्या का दुगुना होता है, 2 × 3। व्यास क्या होता है, व्यास एक वह जीवा है जो वृत्त को 2 समान भागों में बांटता है। जैसे आपने कोई भी एक चूड़ी होती है उसको बीच में से काट दो आप, तो बीच में से काट रहे तो वो क्या है, व्यास है, 2 भाग कर रहे हो उसके, तो ये होता है व्यास। अब व्यास वह जीवा है, तो जीवा क्या होती है, तो जीवा वह रेखा जो वर्त के टुकड़े कर दे, ये वर्त है, मैं यहाँ पे इसको टुकड़े कर देता हूँ, ये सब क्या है, ये जीवाएं हैं। और एक स्पेशल जीवा जो केंद्र से होकर गुजरती है वो क्या कहलाता है, व्यास कहलाता है। इन सब चीजों के बारे में बात करते हैं। अब परिधि तो बात हो गई, अब इसमें एक बात और बताना चाहूंगा आपको। देखिए अक्सर आपने पढ़ा हुआ है, अब वर्त की बात चल रही है तो आपने पाए पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा हुआ है, पाए, पाए का मान भी पता है आपको, सबको पता है, जो वीडियो देख रहा है सबको पता है, 10th क्लास में हो आप, 5 बटा में कितना होता है, 7 या 3.14। लेकिन 10th क्लास में आपने पढ़ा है तो वहां पर अभी पाए का मान आया कैसे, इसकी बात भी अपन अब कर लेते हैं। देखिए क्या था, मैं मुझे एक बात मालूम है, क्या मुझे ये मालूम है कि वर्त जो होता है उसकी परिधि का फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला बनाया किसने, ये बनाया कि वर्त की परिधि क्या होती है, वर्त की परिधि 2πr, 2πr, राइट है। एक काम करता हूं मैं, 2πr है मेरे पास, मैं अगर इसमें 2r का भाग दे दूं, यानी कि 2 से 2 कट जाएगा, r से r कट जाएगा, वैल्यू क्या बचेगी, पाए। देखिए आप दोनों फ्री हैं, काम कीजिएगा मेरे कहने पर, आप क्या करेंगे, एक वर्त बनाओ, बना दिया, एक धागा ले लो, धागा, धागे से इस परिधि की लंबाई नाप लो, नाप लोगे कैसे, इसके ऊपर धागा रखूंगा, करता 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 यहां तक ले आऊंगा और इसको फिर मैं फुट्टे की सहायता से नाप लूंगा कितनी आ गई ना परिधि। अब ये आ गया परिधि, ऊपर तो आ गई परिधि, बटन में क्या, व्यास, तो इसमें जो सेंटर होगा इसका, इससे धागे से वो भी नाप लो आप, व्यास भी आपने दे दिया। जब भाग देंगे तो जो आंसर आएगा वो किसका आएगा, वो आएगा पाए का। तो ये देखिए बहुत से गणितज्ञों ने ये किया, तो हर बार मान अलग अलग आता है, कई बार आता है 7.14, कई बार 3.14, कई बार 22/7 आता है, 22/6.9 आ जाता है, 22/7.1 आ जाता है, तो ये लगभग मान सेम होते हैं, इनको अप्रोक्सीमेट माना जाता है,
बोला ही जाता है बेटे, बोलने की लैंग्वेज ये होती है कि पाई का मान 3/4 लेते हैं, होता नहीं है, लेते हैं मान लगभग यही होता है, थोड़ा मोटा ऊपर से गणनाओं में फर्क हो जाता है, तो ये वो चीज है। ठीक है, इस प्रकार से पाई का मान आप निकाल सकते हैं, घर पे भी निकाल सकते हैं। इसी प्रकार जो गणितज्ञ थे उन्होंने ये मान निकाले। ठीक है, बहुत सी ऐसी वस्तुएं संसार में बनी हुई है जिसमें पाई का मान क्या लिया हुआ है, 2/7। अब आप सोचोगे सर बहुत सी चीजें वस्तुएं बनी हुई है उसमें पाई की आवश्यकता क्या पड़ी, तो भैया पाई की आवश्यकता तो इसलिए बड़ी जब भी व्रत का नाम लेंगे तो पाई तो कहीं ना कहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, पाई की वैल्यू है, पाई एक मान है, और मैथ का रूप कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स जो रूप होता है वो हर जगह काम आता है, मौसम विभाग में भी काम आता है, कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो भी मैथ कहीं ना कहीं उसमें यूज हो जाती है, तो इसलिए वहां भी इसका कोई ना कोई यूज हुआ हुआ है, वो बात की बातें हैं। आज के लिए इतना यही बात जरूरी है कि आर्यभट्ट ने जो पाई का मान दिया था वो इस रूप में दिया था, प्रीति बढ़ाने व्यास, वो खुद भी आप चेक कर सकते हैं, मान यही आएगा। ठीक है, ये तो हो गया। अब इसमें फिर एरिया ऑफ सर्कल बात करते हैं, और यहाँ दोनों फॉर्मूले लिख लेंगे, एक साथ लिख लेते हैं अपन, प्रीति हो गया क्षेत्रफल, क्षेत्रफल होगा क्या, पाई आर स्क्वायर, सिंपल फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर, लगभग आपको याद होगा आर यहाँ पे क्या है रेडियस है, ये दो फॉर्मूले इसमें मेन है, इसको नोट करेंगे। इसके बाद में एक चीज और आती है, क्या इसको ड्रॉप कर देता हूँ मैं, नोट कर लीजिए इसको दोनों फॉर्मूलों को, और ये बात जो पाए की है इसको आप चेक करना चाहें तो कर सकते हैं, और फिर भी कोई डाउट लगे तो मुझसे आप बात कीजिए। अब बात फिर नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट जो है एरिया बिटवीन टू कंसेंट्रिक सर्कल, यानी कि दो सहकेंद्रीय वृत्त, दो सहकेंद्रीय वृत्तों, अब सहकेंद्रीय देखो वर्ड लिख रहा हूं मतलब पता ही नहीं है, फायदा क्या, सहकेंद्रीय मतलब केंद्र तो सेम है, कैसे केंद्र ये है, एक वर्त ये रहा और एक वर्त, दो वर्त हो गए ना यहाँ पे सेकेंडरी वर्त। अब इसका एग्जांपल आपने पार्क देखे होंगे, पार्क में क्या होता है, अंदर तो होती है घास, बाहर होता है इसका पथरीला एरिया जहाँ पे आप घुमाई करते हैं अपने, तो उस टाइप की जो जगह होती है उसको बोलते हैं सेकेंडरी वर्त। ठीक है, इस तरह से दो सेकेंडरी वर्तों का मध्य ये जो एरिया है ये क्या होगा, किस निकलेगा ये, तो वो बात हो गई। फिर मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, तो देखिए एक मिनट के, देखिए मैं इसका एग्जांपल दूंगा आपको, एक जैसे मान लो ये वर्त है, ये पूरा एक क्या है वर्त है, मैं इसमें से ये भाग अंदर वाला भाग निकाल देता हूँ, कैसे मैंने इसको पकड़ा ये काट दिया, ये मैंने बाहर निकाल दिया, तो अंदर क्या बचेगा, ये बचेगा नहीं बचेगा, ये होता है आपका दो सेकेंडरी वर्तों से बनने उनके बीच का जो एरिया होता है वो होता है। देखिए अब उसको समझते हैं, निकलेगा कैसे, पहले मैं बड़े वाले का निकालूंगा क्षेत्रफल, इस पूरे क्षेत्रफल निकाल लूं, निकाल दिया, इसको मैंने माना बड़ा आर और अंदर को मैंने माना छोटा आर, ये बड़े वर्त की त्रिज्या, ये छोटे वर्त की त्रिज्या, तो क्या करेंगे, बड़े वर्त से छोटा वर्त क्या करेगा भाई, कट जाएगा तो ये बचेगा नहीं बचेगा, ये बचेगा, तो बड़े वर्त का क्या होता है क्षेत्रफल, पाई आर स्क्वायर, छोटे का पाई आर स्क्वायर, कॉमन क्या आया पाई आर स्क्वायर माइनस में आर स्क्वायर, ये होता है दो सहकेंद्रीय वृत्तों से जो परिपथ बनता है उसका क्षेत्रफल, इसको आप नोट कर लीजिए, नोट करें इसको आप। 15.1 का पहला क्वेश्चन है आपका, आपको त्रिज्या दी हुई है और इसका क्षेत्रफल निकालना है, पहला क्वेश्चन कर लेते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर एक कह रहा है कि त्रिज्या है कितनी 3.5, आपको निकालना है उसका क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, आपको दी हुई है यहाँ पर, अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, पाई का मान 2/8 होता है, बिल्कुल होता है जी, आर 3.5 गुणा में 3.5, सॉल्व करना है इसको, बस सॉल्व करना, कुछ नहीं करना, आंसर आ गया। देखिए मैं अगर एक पॉइंट हटा देता हूँ तो क्या लगेगा यहाँ पे, बस काटो इसको, 5 × 7 = 35, 5 × 2 = 10, 5 × 7 = 35, 5 × 2 = 10, 7 × 7 कैंसिल हो गया, 2 का करेंगे 11 आ जाएगा, अब 11 × 7 कितना होता है 77, बटा में कितना है 2 काटेंगे तो कितना आएगा 38.5 वर्ग सेंटीमीटर, ये है इसका क्षेत्रफल, इस प्रकार से ज्ञात करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फिर इसमें बात कर लेते हैं, आपको परिधि दी हुई है कितनी 44 सेमी, अब परिधि 44 है तो प्रीति है होता क्या फॉर्मूला 2 पाई आर बराबर में कितना है 44 सेमी,
पाई का मान पता है, यहाँ से आप आर का मान निकाल लेंगे और इसका क्या करेंगे क्षेत्रफल, तो खुद आप करके देखिए। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर अपने 15.1 के आगे क्वेश्चन करेंगे, 15.1 कंप्लीट कर लेंगे। कोई भी डाउट लगे आप